इसको मुंह दे दो। फ्रेंड्स सनी सही कहते हैं लिपस्टिक बहुत बुरी लगती है, मैंने अपने से पहले वाला क्लिप देखा तो मैं दांत देख लेना कैसे लग रहा है, तू अंदर खा लिया अच्छी खासी शकल है लेकिन लिपस्टिक पूरे मुंह में तेल अलग चला गया। बेटा जी अपने जूते उठाइए यहाँ जल्दी। उस वक्त हम जल्दी जल्दी में आए थे, मुझे अपना ब्लॉग एडिट करना था, मैंने यहाँ रख दिए थे पूरा ही साफ करके आपसे मिलती। फाइनली फ्रेंड्स सब कुछ सेट कर लिया, अब फ्रेंड्स फाइनली पूरा रूम क्लीन हो गया। एक दो दिन से रोज बाहर बाहर जाने में टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि हम लोग रहते हैं मीरा रोड में, और मीरा रोड से अगर आप अंधेरी है उस साइड जाओ ना तो कम से कम 2-3 घंटा जाना, 2-3 घंटा आना, फिर वहाँ पे जो काम है आके एनर्जी नहीं रहती। लेकिन अब रूम जब क्लीन हो जाता है फिर अच्छा लगता है, रूम सेट है मतलब लाइफ सेट। अभी क्लीन किया और अभी ये शर्ट ऐसे ही रख दी। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबों के जहां मैं आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज हमें जाना है मुम्ब्रा, रेडी हो रही थी मैंने ये खरीदा नया, इससे बहुत हेल्प हो जाती है लेकिन इसे खरीदने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। फ्रेंड्स ये सबसे सस्ता लिया था मैंने सेफोरा में जो की आया था 1100 रुपए का, और अगर बड़े ब्रांड का ले रहे हैं तो 4000-5000 का आया था इससे बड़ा वाला। मेरी हिम्मत नहीं बड़ी, मैंने कहा आपके दुकान में सबसे सस्ता कौन सा है, तब भी 1100 रुपए में गद्दा आ जाएगा। ये क्यों महंगा होता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन काम का जरूर होता है। आजकल रोज कोई ना कोई शूट है और रोज ही मेकअप करना पड़ रहा है, इसलिए 3-4 दिन से इतना हेक्टिक शेड्यूल है सभा का, सुबह जाना शाम के आना, सुबह जाना शाम के आना, और जब पसीना निकलेगा तो फिर पूरा बह जाए। सरदार जी जल्दी चलो, मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए अलराना वालों की शॉप पे जाने के लिए, और ये आउटफिट भी उन्हीं की तरफ से आया है। तो ये हैम्पर हमने अनबॉक्स कर लिया था फ्रेंड्स, कल एग्जीबिशन है 9 मार्च को, रमजान एग्जीबिशन और फिर साथ साथ विमेंस डे सेलिब्रेशन, तो उसमें हमें इनवाइट किया गया है, ये सारी चीजें आई थी। तो ये इन्विटेशन कार्ड आया है, चॉकलेट्स आई है बीबी लग्जरी चॉकलेट से, थैंक यू सो मच हबीबा। कैसी लग रही हो? पक्का अम्मी जो वालक अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक नहीं अम्मी के, थोड़ा सा पेट में दर्द था, अम्मी ने होटल में थोड़ा ज्यादा खा लिया, कालिया मटन ज्यादा खाया था ना, कालिया मटन। चलो 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 गाड़ी में चलो, मोरे पास ना करो करते फोन अल्लाह चलो। अरे दूसरी बेटी का है, बेटी लेके चली गई, खालू से बात कर रहे हैं बेटी, खाला कौन कर रहा है, खालू से बात कर रहे हैं, थोड़ा कच्चा है तो उसको सीटी लगा रहा है, कटहल कच्चा नहीं गया। अच्छा कटहल की याद आ गई, कल सोच रहे हैं कि कल रमजान की तैयारी भी कर लेते हैं, अब रमजान के एक दो दिन ही बचे हैं एग्जीबिशन में, दोनों साथ में कर लेंगे, सुबह निकलना पड़ेगा लेके निकलेंगे। ये जमशेदपुर की चूड़िया है, अच्छी लग रही है अम्मा, बहुत अच्छी, तो चलो अभी जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं शाम को, बाय। क्यूट सी बच्चियाँ मिल रही है, शहर बिहार, बिहार से आई हुई है लेकिन आज जा रही है, आना फिर से मिल रहा है इंशाल्लाह। करो बेटा माशाल्लाह। हम इसे एक दो बार मिले लेकिन इससे इतना अपनापन सा लग रहा है, मुझे ये जा रही तो मुझे लग रहा है कोई घर का जा रहा है, थोड़ा सा लेट होता आप तो चली जाती, वो ही तो देखो किस्मत में था मिलने। चलो आना फिर से, बाय बाय बेटा। ये क्या रखवाया आपने? ये है संतरे तेरे और इसमें अंगूर है, पानी की बोतल है। थैंक यू। आप फर्स्ट टाइम आए मुम्ब्रा? हाँ। तो यहाँ तो मेरी फोटो भी लगी हुई है। लिखा है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय मॉम्स बिजनेस और हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी। ये सारे लोग इंस्पिरेशन है वुमेन्स के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करके इतना आगे तक पहुंचाना, और आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ा सा वुमेन्स डे का इंस्पिरेशन है। हमने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए तो ले लिया है, लेकिन रमजान में हमें ये है कि जितना हम पहने और जरूरतमंद लोगों को भी दे, तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ गिफ्ट ले रहे हैं। यहाँ से ये ले लिया बहुत सारे कलर, यहाँ पे ऊपर मजार है फ्रेंड्स, सब कहा है, अपने रूम में अंदर है। आज बड़ी खुश हो तुम? खुश नहीं हो, पढ़ रही थी ना, ज्यादा पढ़ी हो। सर ऐसा के एग्जाम चल रहा है, बहुत कम हंसती हुई दिखती है, मुझे लग रहा है महीनों बाद इसके चेहरे पे हंसी आई होगी जो दिल से आई है। वॉश बेसिन से गर्म पानी निकल रहा है, गीजर ऑन होगा ना इसलिए, ऑन हुआ अचानक से, पता नहीं तो
फिर ऊपर से अम्मी क्या खाओगे, क्या बना दो? अभी आज नहीं खाऊंगी खाना, खिचड़ी बना दो। हाँ खिचड़ी बनाएंगे, बहुत दर्द कर रहा है, अभी गोली बनवाएंगे देख। तो फिर से नहीं, आज बिरयानी कैंसिल। आज अम्मी के लिए बिरयानी बनाने जा रही थी। नहीं नहीं फिर अम्मी फ्रेंड्स, अभी मैं पी रही हूँ चाय। बेचारी अम्मी चाय नहीं पी रही है अभी मेरी चाय के साथ ही। अम्मी आपका पेट दुख रहा है, आपने चाय पी ली? पीने के लिए तुमने मना नहीं किया? मैंने तो कितना रोका, मना के लिए हमने मोहब्बत में थोड़ी सी नहीं किया। अम्मा मना करना चाहिए था ना, इतने से बैठ के फ्रेंड्स इतना तरस खा रही हो कि बेचारी अम्मी के पेट में दर्द है, चाय नहीं पी। मुझे तो शॉक दे दिया कि ये चाय पी चुकी। फ्रेंड्स नीचे चलते हैं और अम्मी को लस्सी बना के देते हैं, उनके पेट में जो जलन हो रही है ना, ठंडी भी लस्सी पी के ठीक हो जाएगी। रोजा भी मंगा लिया है, दही मंगा लिया है, अब वैसे भी रमजान आने वाले हैं तो रोजा का काम तो चालू ही हो जाएगा। ठीक है वैसे भी रात के जाएगा, नमाज वमाज पढ़ लिया फिर चल गए रात के। आज बहुत देर से घूमे नहीं गए, घूमने चलेंगे भैया। अम्मा आज जाना जरूरी है, आज बहुत अच्छा दिन है औरतों के लिए। जाना तो हाँ, मैं तो यही चल रही हूँ, चुम्मी ला लेंगे, पैसा ले ला दे देंगे, मैं जाइए ना। यहाँ पे हो गई सफाई स्टार्ट। ड्रॉर्स बने हुए हैं सब अंदर रखने के लिए, लेकिन सब कुछ बाहर रखा हुआ है। ये बॉटल ये किस काम की है? बॉटल से मुझे उनकी याद आ गई। फिर साफ का पानी, दम का पानी है क्या इसमें? फ्रूट्स की जगह फ्रिज में होती है, लेकिन ये सब अम्मी कब की पुरानी शकरकंद खाती हूँ इसीलिए पेट दुखता है। हो गया चमका के मारो। थी मुझे ऊपर है किचन की सफाई और यहाँ आके इतना सब कुछ बिखरा देखा कि यहाँ की सफाई हो गई है। अब आ जाते हैं अपने मेन काम पे, जिस काम के लिए आए थे। कहाँ से शकरकंद ढूंढ के ला रहे हो, ये अम्मी क्या करती है? लस्सी बनाना स्टार्ट करते हैं और इसमें हम डालते हैं पहले दही। अम्मी के लिए कम मीठा ही डालती हूँ ना, और हम इसमें डालेंगे ठंडी ठंडी बर्फ। आहा बिस्मिल्लाह। ये क्या हो गया शल्पी, इतना ऊपर से क्यों आया? बस बन गई होगी, नहीं थोड़ा और बस इतना ठीक। अरे वो हाथ वाली अच्छी होती है, वो मधा में क्या बोलते हैं उसको, मथानी से, वो मथानी से बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम, वो सबसे बेस्ट होती है। ये क्यों चग रहा है? यहाँ से निकल रहा है, पूरा हाथ दीवार और ताकत दोनों। आप सबने तो प्रूफ कर दिया और आपने आधे लोगों को करवा दिया है कि सबा गधी है, सबा गवार है, सबा कुछ नहीं है, सबा सच्ची है। बेटी कहते कब से मुझे चिकन धो के दे रही है। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे रोज। पहले जमाने में वो साइकिल की जहाँ हवा भरते है ना, हाँ। यहाँ फिक्स करके बस। अम्मी को लगता है कि पूरे घर आके मैं गंदा करती हूँ, मैंने आपको घर आके साफ करवाया है। तो बच्चों में कहाँ रखे सामान, फिर क्या करें बता, पूरा तो भरा है। कुछ कोशिश करो कि ड्रॉर के अंदर डाल दो, बाकी आपका किचन साफ है, ऐसा नहीं कि आप साफ नहीं रखती, सिर्फ सामान बिखरा हुआ दिखता है। अम्मी जान आपके लिए हाजिर है। बेटी जान सही है, अम्मी ज्यादा फिर मीठा हो जाता है। रुआब जगह डाल दो, अभी हमने सबको सरप्राइज नहीं बताया। मैंने सोचा था आज मैं सबके लिए केक बनाऊंगी, मैंने कहा आज के दिन कुछ खराब नहीं करना चाहिए। पार्ले जी वाला केक जो बनाया, मुझे चला गया ये क्यों ऐसा हो रहा है। अगर उसमें मलाई होगी तभी तो ठिकेगी मलाई के ऊपर। मैं नहीं पीती शर्पी, अच्छी होगी बस हमारे लिए थोड़ी शक्कर कम लग रही है। मीठी कम है, तुम्हें भी मीठा कम खाना है। अच्छा वो गिफ्ट हो जाए, दिल को सुकून मिले। आज लस्सी पी के मेरे दिल को सुकून मिला। कितनी देर में हूँ बिरयानी खाने? एक घंटा। कानपुर वाली बिरयानी बना रही हूँ आज। हाँ प्याज फ्राई हो रही है, चावल हम भी भिगो देते हैं। ये सही तुमने आज इजाद किया आइडिया, ये वाला होशियार हूँ मैं। जलना जाना हमारी तरफ से सबके लिए, देखिए छोटी सी पार्टी गेट टुगेदर टाइप, छोटी मोटी चीजें मंगाई हैं, ज्यादा कुछ नहीं, केक है और है पास्ता। प्यारी प्यारी हमारी घर की विमेंस के लिए रोजेस भी आ गए खूबसूरत से, यहाँ पे रख देते हैं, मुझे किसी ने नहीं दिया, ये तुम्हारे लिए भी तो है, मैं आपको दे दूँ। हम लोग देंगे ना सर, मुझे विमेंस डे पे कुछ बोला तक ने।
नहीं। अरे क्या तुम्हें बोले, दिन भर तुम्हें बोलते हैं इतना, हर दिन तो कोई ना कोई डे आता है, कहाँ तक इंसान डे में देगा, कभी वुमेंस डे तो कभी लड़की डे तो कभी लड़का डे। अभी आज हम जहाँ गए थे राणा फैशन इंडिया, वहाँ से आप सबके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। वहाँ पे बहुत से सूट्स मिलते हैं, तुमने कहा वुमेंस डे भी है, रमजान भी आ रहा है, तो सबके लिए एक सूट हो जाएगा ताकि सब अपना पहनेंगे। अरे चावल भी देखने, मोटर चला दो नहा रहे इस टाइम पे रेहान, ये रमजान में सबको देने के लिए अच्छी क्वालिटी के लिए। अच्छा, देखो इतना खूबसूरत है, कोई पहनेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा, कलर भी अच्छे है ना, जान पहचान में जो जरूरतमंद है उनको देंगे। थोड़ा छोटी मोटी चीजें जो है वो रेडी हो चुकी है, बस आंटी आ जाए, आंटी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लगा रहे हैं लेयर, मैं शूट कर रही हूँ, बेटी खाला मेरी हेल्प कर रही है लेयर लगाने में। अरे वाह, वुमेन्स डे मना, छोटा सा मेरा गेट टू गेदर, बता तो देना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं ना सो गई थी आपके लिए। ये लो अम्मा, इसे तुम भी ले लो, ये तुम्हारे लिए है ये। ये सारे फूल नहीं, मेरा नहीं है, हम सबका है अम्मा, ये मेरा नहीं है, सबका है, आपका गिफ्ट भी है, आप लोग हमेशा करते रहते हैं, कभी कभी हम लोग को मौका मिलता है। कसम से जुगाड़, शाबाश, माचिस नहीं है हमारे, माचिस नहीं है, चलिए सम्मा बुझ गई, पैसा कट गया तेरा, करो नहीं। ये तो बिल्कुल अच्छी जल गई। अम्मा पता है कौन सा दिन है? जुमा। जुमा तो है आज, 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 आज हम सब औरतों का दिन है, औरतों ना बहुत बड़ी बात है, ये आज भी हम लोग मनाते हैं वुमेन डे। भाभी यहाँ पे नहीं है तो भाभी के बदले का मैं खा लेती हूँ, जैसा कभी कुछ गिफ्ट नहीं। फ्लोरियन तुम भी खा लो, तो हम सबका ख्याल रखते हो ना, इसलिए बेटा हम वॉशरूम में क्या कर रहे थे, नहा रहे थे। यस मैम, अम्मा अम्मा जा जो भी है, इतनी देर क्या कर रहे थे, ऐसे ही था, मजे कर रहा था वॉशरूम। फ्रेंड्स जब आप लोग शूट करते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी नॉइज नहीं चाहिए रहती, क्योंकि फिर आप लोगों को भी सुनने में ना पीछे से आवाज आती है, तो हमारे यहाँ बाथरूम की मोटर की आवाज बहुत तेज चलती है, तो मैंने मोटर दोनों बंद कर दिया था, तो मैंने दोनों बंद कर दिया, गुस्से में तो मैंने लाइट भी बंद कर दी थी। फिर अम्मी बोलती है बेचारे अंधेरे में वॉशरूम में 5 मिनट 10 मिनट 15 20 मिनट से पता नहीं क्या कर रहा था, मैं मुंह भी धो रहा था ना, मतलब थोड़ा बहुत जॉगिंग कर रहा था, सब कर रहा था, सारे सपने तो नहीं देखता वो, सारा जो सोचती थी पहले, हाँ, पहले सारा सोचती थी। वॉशरूम में बैठ के सोचते हैं क्या, सोचता है क्या है, महाराष्ट्र की सूट है वो, 2-3 लाई थी मेरा, चल सबा ने दिया था हमारा, चलो कॉम्बिनेशन, ये वहाँ के महाराष्ट्र के सूट है ना, अच्छा बहुत फेवर और बहुत यूनिक है, मैंने सूट नहीं पहना, सिलाना अच्छा, मुझे भी गिफ्ट मिल गया, तुम बोल रही थी तुमने कुछ, हाँ, मैंने सनी को बोला कि आपको मुझे कुछ तो आज सरप्राइज करना चाहिए था, तो आंटी ने कर दिया, आंटी ने कर दिया, मैं करूँ आंटी करे बात, तो एक बहुत अच्छा मुझे फ्रेंड्स गिफ्ट भी मिल गया है, महाराष्ट्रियन सूट मैं ये पहनूंगी। अब सबसे पहले मैं गूगल पर सर्च करूंगी और देखूंगी कि महाराष्ट्रियन सूट सिलाते कैसे है, बेटी खाएंगे थोड़ा ऐसा है जो उसके काम भी आएगा भी, रमजान शादी ब्याह में कलर भी अच्छा है, मैं थोड़ा पार्टी वेयर लिया, क्यों हंस रहा है, पहले हमने बोला पार्टी वेयर लिया, सूट होता है पार्टी वेयर, अगर तुम दुकान में खरीदने जाओगे तो यही बोलते मैम ये पार्टी वेयर है, ये है अम्मा एक कुर्ता है अम्मा, सब बिरयानी वाला आ गया, बिरयानी लेके शादी होटल मिल जाए आपको बन जाएंगे, तो रोज आके फ्री में खा रहा हूँ, लेट भी धोके जाना, तो अपने होटल में अपने समझ के खा सकते हो, तो अपना समझ के सारी प्लेटें उठा के धो के टेबल साफ करना, तो खा जाऊंगा, ज्यादा ग्राहक आ गए, हम सबको काम करना पड़ेगा, प्याज व्याज देंगे,
और क्या प्याज नींबू है, हमारी जिम्मेदारी चलिए आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी? मैं काउंटर पैसा काटूंगा। चलो फिर जो भी कह दोगी अम्मी प्याज नींबू काट के देगी बेटी खाले वेटर बनेगी। रेहान का लाल कपड़ा लेके यहाँ पे घर बड़ा बड़े मैं क्या करूँगी? तो बोलोगे कि अच्छे से खाना। चलो खाते भैया, बहुत तेज भूख लगी है। बिरयानी फ्रेंड, ये है मेरी कानपुर वाली बिरयानी। मैं कह रहा हूँ बहुत दिन के बाद तुम्हारे हाथों की बिरयानी खाने को मिलेगी आज। जी मुझे तो अच्छी लगी। नमक कम है? हाँ मैं रायता नहीं खाती ना, बाकी इन लोग को तो अच्छे लगे। रेहान को भी नमक कम लगा, बाकी ठीक है। चूड़ियाँ दिख रही है, दिख रही है चूड़ियाँ, दिख रही है। बस करो बस करो, रहने दो रहने दो, ज्यादा हो जाएगी। फ्रेंड सिर्फ खाना बनाने तक ही काम नहीं होता, खा लेने के बाद ये जो बचा हुआ खाना है उसे ऐसे बर्तन में रखना जिसमें वो फ्रिज में फिट हो जाए, वो भी एक बड़ा काम होता है। ये सब लोग समझते होंगे, हर एक के घर में होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। फोन करना कुछ है। चलो दो चक्कर वॉक कर लो फिर चलते हैं ऊपर। हमारा जो 2-in-1 वाला रूम था वो रेडी हो गया है। हमने जिम रूम भी बनाया है और नमाज रूम भी बनाया है। आइए यहाँ से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ गया है ऐसे हमारा ट्रेडमिल। रूम बहुत गंदा भी हो चुका था, फिर पेंट कराते तो बहुत ज्यादा और काम पड़ता, तो हमने कहा वॉलपेपर अच्छा ऑप्शन है, ऐसा वॉलपेपर लगाते हैं बेसिक सा जो दोनों साइड अच्छा लगे। यहाँ पे हमने सेम डिजाइन का लाइट वाला कलर यूज किया है और उसका ही हमने ये वॉल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ये कलर यूज किया है। ये पूरे रूम को ना हम एकदम थोड़ा पीसफुल बनाना चाहते थे, ताकि अगर हम वॉक भी करें तो भी थोड़ा सिंपल रहे, और नमाज के लिए तो पीसफुल कलर्स और पीसफुल माहौल बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी ऐसी थिंकिंग है। लाइट थी वो हमने यहाँ पे लगा ली है। जो ये वाला गिलास है ना हमारे पुराने वाले रूम में था, तो उसको हमने कटिंग करवा के यहाँ लगवा दिया है। जब भी आप वॉक करते हैं तो खुद को देखते हैं तो और आपको अच्छा लगता है, तभी जिम में भी मिरर्स लगे होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा नमाज कॉर्नर। अभी ये लोग भी आ गए नीचे से। अच्छा लग रहा है सालू, वजू करके बैठ जाओ पढ़ने के लिए। जब नमाज तो कम से कम यही मिली अल्लाह। यहाँ पे फ्रेंड्स इस चीज की पार्टीशन है तो आर पार भी दिख रहा है, बहुत बंद बंद भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने लाइट्स लगा दी और ये बीच में यहाँ पे प्लाई थी, यहाँ पे लग गया वॉलपेपर। गार्डन बहुत अच्छी लग लाइट ना, और यहाँ पे हमने खुशबू के लिए बर्नर लगा। ये तुम्हारा सबसे अच्छा लग रहा है, कितना मन लगेगा पढ़ने में। हाँ, और ये पूरा चिपका दिया है कारपेट। जब चाहो आराम से यहाँ पे बाहर बैठ जाओ। वॉलपेपर सिंपल लगाया वॉलपेपर, ये भी वॉलपेपर है अम्मी इधर, ये भी वॉलपेपर है। और ऐसा नहीं सब ये कहते हैं कि नमाज की कोई एक जगह नहीं होती, घर में हर जगह नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे फ्लैट जो होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बेड के पास ही वॉशरूम, बेड के पास ही कोई भी खड़ा हो रहा है। ये कुरान शरीफ जो रखने की जगह है ये सेपरेट होनी चाहिए। गिफ्ट भी दिया था किसी ने, ये खाने का बा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, हमारा रूम अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हम सबकी तरफ से फिर से आप सबको, जो अम्मी कल औरतों का दिन था तो औरतों को बोल दो कि सब हम एक साथ हैं। हर एक इंसान में अपनी एक हिम्मत है, सबकी एक लाइफ है, सबकी एक जर्नी है, कोई भी किसी से कम नहीं है। जो जॉब करे ना करे, बच्चे हो ना हो, शादी हो ना हो, कोई भी किसी से कम नहीं है। तो हम सबको हिम्मत रखनी है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है। सभी लड़कियों से यही बोलना चाहती हूँ, सब हिम्मत करे, कभी ना दिल छोटा करे, और सबकी हर चीज अल्लाह पूरा करता है, कभी देर से कभी धीरे से, बस खुश रहो, हिम्मत रखे रहो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।